योग हमारी जीवन शैली का हिस्सा है। योग न केवल तन को स्वस्थ रखता है बल्कि यह हमारे मन की प्रसन्नता, मन की शुद्धता और जीवन के उल्लास को संजोने में भी मदद करता है। योग की इसी महत्ता को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का समर्थन किया। 18 से 20 जून 2017 तक NCERT नई दिल्ली में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे प्रोफेसर योंग वांशिन, उपाध्यक्ष एकेडमी ऑफ कोरियन स्टडीज साउथ कोरिया। साथ ही डॉक्टर पांग सो योंग और डॉक्टर क्योंग रेचुंग ने अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाई। पुष्प भेंट एवं शॉल द्वारा मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया गया। प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति, माननीय निदेशक NCERT ने समारोह में उपस्थित सभी अतिथियों, राज्यों से आए स्कूली बच्चों, शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन किया और योग की भूमिका की सराहना करते हुए कहा, वी आर कंडक्टिंग दिस इवेंट एज ए प्रीलोड टू इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बिकॉज दिस ओलंपियड विल क्रिएट अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स फॉर ए साइंटिफिक होलिस्टिक वे ऑफ लिविंग। ऑल ऑफ अस नो योगा हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड यूज व्हिच मीन्स टू जॉइन टू यूनाइट। द पर्पस ऑफ दिस इवेंट इज टू यूनाइट बॉडी विथ माइंड एंड सोल। प्रोफेसर सरोज यादव, डीन अकेडमिक NCERT ने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड के सफरनामा का जिक्र करते हुए इस बात पर बल दिया कि योग शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक विकास में सहायक है। उन्होंने कहा, यू माइट हैव सीन दो चिल्ड्रन हु आर परफॉर्मिंग हु आर डूइंग रेगुलरली योग एक्टिविटीज, देयर कंसंट्रेशन लेवल इज मच बेटर, देयर हेल्थ इज मच बेटर। एंड व्हेन वी से हेल्थ, दैट डजंट मीन ओनली फिजिकल हेल्थ बट सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, ऑल हेल्थ आस्पेक्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर इम्प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ योग। इस सुअवसर पर NCERT की छात्राओं ने मधुर गीत गाते हुए योग के महत्व के बारे में बताया। भारत के कोने कोने से हम बच्चे आए हैं। मधुर गीत की प्रस्तुति के बाद स्कूली छात्राओं ने योग क्रियाओं का प्रदर्शन किया। उनके द्वारा प्रस्तुत एक एक आसन, एक एक मुद्रा, एक एक क्रिया में रवानगी थी, लेकिन समय मानो थम सा गया था। मनमोहक प्रस्तुति और मंत्रमुग्ध दर्शक। इस अवसर पर NCERT द्वारा प्रकाशित दो पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। इनमें से एक पुस्तक है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन उच्च प्राथमिक स्तर और दूसरी पुस्तक है शिक्षक प्रशिक्षण पैकेज, जिसमें शामिल मॉड्यूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नीतियों और कार्यक्रमों की गहन चर्चा पर आधारित हैं। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड के मुख्य अतिथि प्रोफेसर योंग वांशिन ने NCERT के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने मानव और शांति के संदर्भ में योग के महत्व को बताते हुए कहा, टू दिस योगा ओलंपियाड वी हैव साइंड MOU बिटवीन NCERT एंड AKS, सो वी विल हैव अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन NCERT एंड AKS. I read this US slogan heartedly. Yoga for human and peace. So
from now on, I plan to learn yoga too. Thank you very much. Major Harsh Kumar, सचिव NCERT ने अपने धन्यवाद ज्ञापन में इस बात पर बल दिया कि भारत योग के प्रचार प्रसार में अग्रणी भूमिका में है। उन्होंने कहा, योग और गेम्स, there are two things like our director said that it is you know coordinating of our mind and soul, and believe me, it gives you a team spirit, it gives you a positive spirit, it gives you a positive outlook towards your every work you do. Thank you all. Jai Hind. राष्ट्रीय योग ओलंपियाड के सुअवसर पर 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के DMS के स्कूली बच्चों सहित कुल 368 बच्चों, 86 शिक्षकों ने अपनी भागीदारिता निभाई। योग आसनों का यह प्रदर्शन उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर रहा। इसमें लड़के और लड़कियों दोनों की भूमिका सराहनीय रही। स्कूली बच्चों द्वारा अलग अलग श्रेणियों में विभिन्न आसनों, क्रियाओं और बंधुओं का प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड के दूसरे दिन यानी 19 जून 2017 को माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर अन्य गणमान्य अतिथि भी थे, प्रोफेसर HR नागेंद्र, कुलपति S. व्यास विश्वविद्यालय बेंगलुरु और डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी। प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति, माननीय निदेशक NCERT ने पुष्प भेंट एवं शॉल द्वारा सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन किया। दीप प्रज्वलन एवं श्लोक उच्चारण द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर NCERT द्वारा प्रकाशित दो पुस्तकों का विमोचन भी किया गया, जिसमें से एक पुस्तक है सिमी'स जर्नी टुवर्ड्स क्लीनिनेस, सप्लीमेंट्री मटेरियल फॉर प्राइमरी स्टेज, और दूसरी पुस्तक है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, अ टीचर गाइड फॉर क्लास 7। माननीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने अपने संभाषण में NCERT द्वारा किए गए इस आयोजन की सराहना की और बेहद सहज अंदाज में सभी दर्शकों को इस बात से अवगत कराया कि योग भारत द्वारा दुनिया को दी हुई देन है। उन्होंने योग के महत्व के बारे में बताते हुए कहा, योगा एक पूर्ण विज्ञान है, स्वस्थ जीवन का वो एक अनोखा पाठ्यक्रम है, और अगर योग करना तो निश्चित रूप से श्वसन का भी, प्राणायाम का भी, शारीरिक क्रियाओं का भी उसमें सम्मिलन है, लेकिन कुल मिलके आहार विहार वो स्वास्थ्यपूर्ण जीवन कैसे हो, इस तरफ ये ले जाने वाली क्रिया है। इस उपलक्ष्य पर माननीय अतिथि प्रोफेसर HR नागेंद्र जी ने योग को खुश रहने के साथ जोड़ते हुए कहा, अलग अलग चुनौतियां होते हैं अपने जीवन में, परंतु सबको आनंद से हम लेना है तो पता ही नहीं होता है, संतोषात अनुत्तम सुखलाभ, संतोष से रहना, मस्त रहना, आनंद से रहना, ये योग का एक अभ्यास है। तो इसलिए कभी डिप्रेस नहीं होना, कभी टेंशन नहीं होना, और सीरियस ऐसा नहीं होना, हंसते हंसते रहना। सब लोग एक बार हंसते जाइए, आप लोग सीरियस है, हंसते रहना, सदा हंसते रखना, ये इम्पोर्टेंट है। मन के ऊपर नियंत्रण पाने का यही उपाय है, इसको आप करना है तो अपने जीवन में इसको लाते हुए आगे बढ़ना है, अच्छा काम करना है, हंसते हंसते अच्छा काम करना है। डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी ने भावपूर्ण ढंग से स्वस्थ जीवन, मन की प्रसन्नता, बुद्धि के विकास और स्वयं से जुड़ने के लिए योग की विस्तृत एवं विशद चर्चा की। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, योग देखने सुनने का विषय नहीं बल्कि करने का विषय है। स्वस्थ रहना हो तो योग करो, बीमारियों को दूर करना हो तो योग करो, मन को प्रसन्न करना हो तो योग करो, बुद्धि का विकास करना हो तो योग करो, मन को पूरी तरह से शांत कर लेना हो तो योग करो, पर्यावरण को शुद्ध करना हो तो योग करो। इसी बात को चरितार्थ करते हुए माननीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति जी, मेजर हर्ष कुमार जी ने बच्चों के साथ ताड़ासन,
कटिचक्र आसन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम आदि क्रियाएं की। बच्चों के बीच बच्चों के साथ मिलकर योग को अपने जीवन में उतारने का यह दृश्य वास्तव में सभी के लिए प्रेरणादायक था। आइए हम सभी 21 जून 2017 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सुअवसर पर योग को अपनाएं और बनाएं अपने तन मन को स्वस्थ एवं शुद्ध। योग उल्लसित जीवन की भोर है, तो क्यों न इस भोर का आनंद उठाएं।